हेलो फ्रेंड्स, रेल लाइफ में आपका स्वागत है। तो अभी मैं हूँ उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में ऐसी जगह से हूँ जहाँ मतलब जो जाना जाता है फ्रूट्स के लिए, जाना जाता है पूरा एरिया। ये पूरा एरिया फ्रूट्स के लिए काफ़ी मशहूर है, और अभी हाल ही में इधर जो फ्रूट्स हैं उनको जीआई टैग मिला हुआ है उत्तराखंड में। तो काफ़ी खूबसूरत ये जगह है, और मैं आप लोग को बताऊँगा कौन सी ये जगह है। आप लोग वैसे भी कभी घूमने आ सकते हैं इधर, कि बहुत अच्छा मौसम रहता है। शायद किसी भी सीज़न में आप लोग आएंगे यहाँ, हमेशा जाड़ों में आएंगे तो आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी, गर्मी में आओगे तो आपको ठंडा यहाँ क्लाइमेट मिलेगा। तो इसी वजह से यहाँ फ्रूट्स भी उस टाइप के होते हैं जो ठंडे एरिया में जो होते हैं। तो ये देखिए, ये है आड़ू का पेड़, ठीक है। तो अभी आड़ू पक रहे हैं, और ये मई का महीना है, आज डेट है आपकी 21 तारीख। तो यही आड़ू वगैरह यहाँ से बाहर भी जाते हैं, दिल्ली मुंबई बड़ी बड़ी मंडियों में देख सकते हैं आप लोग को, अभी देख सकते हैं अगर आप लोग को दिखाऊं मैं तो। पूरा एरिया ही यही काम करता है इधर, पूरा बागवानी देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर पुलम वगैरह जिसको खुमानी भी कहते हैं। तो अभी ये पकी नहीं है, तो काफ़ी मीठी होती है, काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है इनका। तो ये उसका पेड़ है, अभी मैं आप लोग को दिखाऊँ। कुछ कुछ पके भी हैं, जैसे कि ये है सामने, तो ये आप लोग को दिखा दूँ। तो ये पूरा एरिया ही देख सकते हैं, यहाँ पर इसी का काम करता है फ्रूट्स पे, और सब्जियों का भी होता है वैसे। और आजकल काफल भी पके हैं, काफल भी आप लोग को दिखाऊंगा कि क्या चीज़ काफल होती है। तो ये जो एरिया है इसको कहते हैं, ये पूरा एरिया रामगढ़ वाला एरिया है मुक्तेश्वर, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो मुक्तेश्वर। और इरिगेशन सिस्टम देखिए इनका पानी का, ये जो हो रही है छोटी वाली नाशपाती हो रही है, अभी पकी नहीं है, कच्ची है। तो अभी 10-15-20 दिन और लगेगा ना पकने में। तो ये भी पेड़ आप लोग को दिख रहे हैं, इसको बांज का पेड़ कहते हैं। तो बांज ये रहता है, चारे के काम भी आता है, और ठंडी भी इसके जड़ों से पानी निकलता है। अभी यहाँ तो नहीं है, लेकिन इसमें स्टोर वाटर स्टोर करने की क्षमता बहुत होती है इस पेड़ में, बांज के पेड़ में पानी को स्टोर कर लेता है। तो खाने लायक अभी बहुत सारी चीज़ें हैं पहाड़ों में। ये देखिए आप लोग को मैं दिखाता हूँ, एक जंगलों में इस तरफ से होता है, तो हिसालू कहते हैं इसको, काफ़ी मीठे होते हैं, तो तोड़ के खाते हैं ना। ये देख लिए, तोड़ लिया, और फिर इसका आराम से मीठा मीठा होता है, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है ना खाना। तो हम पहले बहुत खाते थे अपने जब हम अल्मोड़ा रहते थे। तो ये देखिए, ये सारी पेटियां तैयार की हुई पेटियां हैं, इनमें फ्रूट्स हैं, आड़ू इसमें आप मिलेगा आप लोग को। तो आड़ू इसमें ऐसे लोड होगा अभी, और हवा चल रही है काफ़ी अच्छी। तो ये पूरा एरिया बागवानी वाला एरिया है, आड़ू अलग अलग किस्म के यहाँ पर, अभी सेब भी हैं आप लोग को मैं दूसरे पार्ट में दिखाऊंगा कि सेब वगैरह अगर अभी। और एक देख सकते हैं इधर, और एक चीज़ पहाड़ों पर खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इस महीने। तो ये भी खाने वाली चीज़ें हैं, इन्हें भी तोड़ के खाते हैं, किलमोड़ा कहते हैं इन्हें। देख सकते हैं कैसा पेड़ है इनका, कांटों वाला, कांटे भी होते हैं इसमें, बड़ी सावधानी से इसने से कांटे देख सकते हैं आप लोग ये। तो ये भी बड़ा टेस्टी रहता है, क्यों तन्नू? तो पहाड़ों में देख सकते हैं घर कितने दूर दूरी पर होते हैं, एक घर यहाँ मिलेगा, उसके ऊपर से दूसरा घर बहुत नीचे मिलेगा डाउन में। तो इस तरीके के घरों के स्ट्रक्चर भी पहाड़ों के अलग तरीके के होते हैं। तो पहाड़ों वालों घरों का स्ट्रक्चर क्यों,